अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, मथारे से आए हुए तो कई दिन हो गया, लेकिन मैंने वीडियो कई दिन से इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा बुखार, और बुखार की वजह से बदन में दर्द, इस वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बुखार ऐसा चीज़ होता है, कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है, फ़ोन भी उठाने का मन नहीं कर रहा था। तो वीडियो बहुत ही कम शूट किया गाइस, लेकिन आज वीडियो स्टार्ट करते हैं दो तीन दिन बाद। तो गाइस, मेरी ज़िंदगी का क्या है, यहाँ वहाँ तो लगा ही रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मथारे से आए हैं। रमज़ान में सिर्फ एक जगह टिके थे, फिर उसके बाद मथारे गए, वहाँ से आना, और आज फिर से तैयारी करनी है। कहाँ जाने की, वीडियो में बने रहिए। पहले चलते हैं नीचे, अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है कपड़े देने बनवाने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से आते हैं तो आप सभी को बताते हैं कि आज कहाँ की तैयारी करनी है और पैकिंग भी करना है। तो चलिए फटाफट पहले अपने फ्रेंड के यहाँ होकर आते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को बताते हैं कि मुझे आज कहाँ के लिए पैकिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, निकल चुके हैं अभी घर से, और पूरे एक झोले मैंने कपड़े लिए। तो किसी का आस्तीन लगवाना है, तो किसी की फिटिंग बनवानी है। तो अभी चलते हैं, फटाफट देते हैं, फिर उसके बाद आज बहुत काम है, निकलना भी है दो तीन घंटे में। तो चलिए होके आते हैं, तो फिर मिलते हैं। अभी आ चुके हैं गाइज़ अपनी फ्रेंड के यहाँ, और आने के बाद इधर मैंने जो कपड़ा मैं लेके आई थी दिल्ली से, तो इस पर दुपट्टा नहीं था। तो मैं जब गई थी दिलदारनगर, तो वहाँ से इस पर का दुपट्टा लेके आई थी। तो ये पैंट कुर्ती है, तो इसको फिटिंग बनवाना है। और इधर देख सकते हैं आप सभी, ये ईद वाला कपड़ा है जो मैं ईद पर नहीं पहन पाई थी, तो दूसरा पहनना पड़ा। और ये एक साड़ी है जिसका गाउन बनाना है मुझे। यही कुछ कपड़े थे, तीन चार कपड़े थे जिसके किसी के आस्तीन लगाने थे, तो किसी की फ़िटिंग बनवाने थे। और ये साड़ी में बहुत ज़्यादा टिटिम्मा है, तो ये मैं अपनी फ्रेंड को देख के चली जाऊँगी मुझे जहाँ जाना है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आऊँगी 15-20 दिन या 25 दिन, जितने दिन बाद भी, तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगी देखने के लिए कि मेरा गाउन बना कि नहीं। तो कहीं यहाँ पर फ्री हो लेते हैं, फिर घर चलते हैं, क्योंकि अभी पैकिंग भी करनी है, बहुत सारा काम करना है। आज नहीं निकल पाएंगे तो कल सुबह तो निकलना ही है। तो चलिए फिर चलते हैं। ये साड़ी है, अब इसका हमको गाउन बनाना है। हाँ, कितना मेहनत लगेगा गुलाब से इसको बनाने में? बहुत मेहनत लगेगा, देखते हैं कितना अच्छा बनाती हो। लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। हाँ। चलो इसका बनाओ। किसी के पास ऐसा पुराना अनारकली फ्रॉक होगा? अरे यार, ये पुराना नहीं है, दो बार पहने हैं, जानती नहीं हो? लेकिन दो बार के बाद फिर पहने का मन नहीं किया साड़ी, तो इसका गाउन बनवाएंगे और गुलाब साहब इसका गाउन बनाएगी। देखते हैं कितना अच्छा बनाती हो, ये मत सोचना कि हम तुमको चढ़ा रहे, ठीक है? देखते हैं कितना अच्छा बनाती हो और कितना दिन लगेगा, ये भी बताना, ठीक है? गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आप लोगों के कितनी बेबी है, देख सकते हैं हम लोगों के दो बेबी है, मतलब दो बेबी है, ये एनम, ये एजल। क्या नाम है? एनम अप्पी, एनम अप्पी, इसकी अप्पी है। दो बेबियां हैं, ये बड़ी बेबी, वो छोटी बेबी। तुम छोटी बेबी हो ना? जस्ट किडिंग गाइस, ये बड़े भाई की लड़की है एनम, ये मेरी लड़की है एजल। ये प्योर एकदम शहरी भाषा बोलती है, ये प्योर देहाती भाषा बोलती है एकदम। क्यों जी, हाँ बैक। मस्ती कर रही है आज एजल के ननिहाल आई है। क्या बेटा, ओ माय गॉड, पैर दब गया क्या? क्या बेटा, पैर दब गया? हाँ दब गया, बहुत परेशान कर रही। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलते हैं अंदर, चले ना। हाँ, इसकी आंटी भी आ गई, आ जाओ। मस्ती कर रही है? गला सही हुआ कि नहीं तुम्हारा? हाँ सही हो गया, मतलब बहुत अच्छे से सही नहीं हुआ, थोड़ा बहुत सही हो गया। अच्छा, थोड़ा भी सही हुआ। इधर मेरे पास भी हो गया, गाल पे भी हो गया, मुझे भी हो गया, और मेरा ही नहीं सबका चेहरा खराब हो गया। माहिन का वहाँ पे बहुत ज्यादा खिलौने थे ना, और बहुत तगड़ी धूप है गाइस, देख सकते हैं बहुत तगड़ी धूप है इधर। अच्छा, बहुत ज्यादा धूप निकल रही है, चलना है क्या आज? जाने लायक आज शाम को चले गए? नहीं नहीं नहीं, चलना है, नहीं जाना। अच्छा हाँ, चलते हैं उधर घूम जाते हैं। ओके ओके ओके, बहुत ज्यादा दिन हो गया ना। हाँ हाँ, उनको रूम में अकेले छोड़ के गए थे इसीलिए। अभी कम लगाई हो चेहरे पे, देखे चेहरा, देखे बाप, इधर देखे, इसीलिए तुमको छोड़ के गए थे। सारा फेस पाउडर, सारा लिपस्टिक वगैरह सब खराब कर दी है। इधर देखो मेरी तरफ, ये क्या की हो, तुमको रूम में इसीलिए अकेले नहीं छोड़ते हैं। एजल इधर देखो, एजल का बाल कट गया, बॉय कट लग रही है। एजल अच्छी लग रही हो, बहुत रोई है बाल कटवाने में। और आज हम लोग बहुत दिन बाद बाइक से घूमने जाएंगे ना, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं तक रहेंगे। कहाँ यहीं तक? नहीं, मुझे थोड़ी दूर जाना है, थोड़ी दूर हवा खानी है ठंडी ठंडी। तो गाइस चलते हैं, आज बहुत दिन बाद बाइक से घूमने का मौका मिल रहा है। वैसे आना जाना तो लगा रहता है,
लेकिन हम लोग जो इस साइड जाते हैं घूमने, बहुत दिन बाद जा रहे हैं। चलो किधर जाओगी तुम, आगे बैठोगी पीछे पीछे पीछे, चलो आओ इधर। कैसा लग रहा है गोली? अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद, काफी टाइम बाद जा रहे ना। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, बदली है इस टाइम, मस्त मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। चलो गाइस आगे तक चलते हैं, फिर आते हैं थोड़ी देर। काफी दूर से घूम के हम लोग अब घर आ गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम था, क्या कह रहे हैं? और दूर से हम लोग का घर और भी अच्छा लगता है। क्या अभी और घूमना है? घर आ गए देखो। तो गाइस देख सकते हैं आप सभी, जहाँ मैं करनाल पे हमेशा जाती हूँ घूमने, अक्सर हम लोग बाइक से वहाँ जाते हैं, थोड़ा शांति रहता है। ये आग वहीं पे लगी हुई है करनाल के पास, और ये आग बढ़ती ही जा रही है, बहुत डर लग रहा है देख के। उधर हम लोग का भी कई जगह पे खेत है, तो इस वजह से देख के बहुत अजीब लग रहा है। अल्लाह पाक सभी के अनाज को हिफाजत में रखे। बहुत ही तेज़ी से ये आग बढ़ते जा रही है, आप देख सकते हो धुआँ कितना ज़्यादा काला काला दिख रहा है। आज जाना नहीं हुआ, कल सुबह जाएंगे। और फाइनली आप सभी को बता देते हैं कि मुझे ससुराल जाना है कुछ दिनों के लिए, और सासू माँ का फ़ोन आया था कि आ जाओ जल्दी से, बहुत ज़्यादा काम है घर पे, फंक्शन पार्टी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप सभी को इसके बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी रात का टाइम हो चुका है, तो इधर आप लोग देख सकते हो रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो मटन बन रहा है, मटन के साथ भौरी बनेगी। तो हम लोग के यहाँ भौरी के साथ हमेशा मटन ही बनता है, मतलब भौरी जो बनता है ना, तो उसके साथ चिकन बहुत कम लोग खाते हैं, मटन ही खाते हैं। तो इधर भौरी मैंने बना के रख दिया है, बाकी मटन मेरी सिस्टर बना रही है। तो फटाफट मटन भौरी खा लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं रात में, और सुबह तैयार होंगे, निकलेंगे ससुराल के लिए। वैसे पैकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, आधी अधूरी पैकिंग हुई है गाइज। तो अभी चलते हैं, खा पी लेते हैं। सो गाइज अभी है देसी चिकन, और ये बाटी देसी जो कि काफ़ी ब्लैक हो गया है, हालाँकि जला नहीं है, ऐसे ही रहता है ये। तो अभी इसे खाएँगे गाइज हम लोग। शादी अपने बहन के साथ खा रही है, मैं अकेले खा रहा हूँ। और इधर देख सकते हैं आप लोगों की चहेती गर्ल एजल क्या कर रही है, देख सकते, देखिए गुस्से में देख रही है, एकदम पूरा मेकअप की थी सब बिगाड़ दी। तो चलिए गाइस खा लेते हैं, और बाकी जिसको खाना है ज़रूर बताएं, उनके लिए बना के रखेंगे हम लोग। आइए घर पे खिलाते हैं आप लोगों को, थैंक यू। से गलती हो गई थी, मुझे लगा था चिकन है, लेकिन चिकन नहीं, देख सकते हैं क्या है, दूसरा चीज़ ये, तो ये मटन है। अभी टेस्ट किया और खाया हो तो पता चला कि ये चिकन नहीं है, देख सकते हैं। गाइस सादिया तैयार हो गई पूरी तरह से, देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा ये खराब हो गया, ये देखो ये सब तुम्हारा पूरा 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 खराब हो गया। घर पे दो दो फंक्शन है और मेरा पूरा फेस खराब हो गया। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि मैं ससुराल जा रही हूँ, और कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मतलब दो चार दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए जा रही हूँ। और बाकी सारा सामान पैक हो गया, सिर्फ इधर दो झोले रखे हुए, सामान बाहर रखा हुआ है ना, सामान ये अभी तैयार नहीं हुई, देख सकते हैं। तो अभी मुझे भी तैयार होना, थोड़ा बहुत तैयार हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे भी अपने ससुराल में मिलेंगे, ससुराल में जाके अब इस वीडियो को ही एंड करते हैं गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जो लोग लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दें।